हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क पार्टीशन का। डिस्क पार्टीशन कैसे होता है और डिस्क पार्टीशन क्या है। हाल ही में डिस्क का साइज बहुत कम होता था, मैक्सिमम 500 GB तक का। उस टाइम क्या होता था, डिस्क पार्टीशन में हम लोगों को चार ऑप्शन मिलते थे, चार प्राइमरी पार्टीशन, एक एक्सटेंडेड पार्टीशन और दो लॉजिकल पार्टीशन। उस पार्टीशन को हम MBR बोलते थे, मास्टर बूट रिकॉर्ड। पर अभी का नया नया विंडोज और हार्ड डिस्क का साइज 1 TB 2 TB जितना होते हुए, उसमें हम मैक्सिमम पार्टीशन 128 कर सकते हैं, जहाँ कि हमें एक्सटेंडेड पार्टीशन और लॉजिकल पार्टीशन का जरूरत नहीं पड़ता है। जिस पार्टीशन में हम मोर देन 4 प्राइमरी पार्टीशन करते हैं, उसे हम ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर पार्टीशन बोलते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पार्टीशन कैसे किया जाता है। सिंपली पार्टीशन करने के लिए दो तरीका है। एक तो आप कंप्यूटर सिस्टम में जाके मैन्युअली कर सकते हैं, एक तो आप CMD से करते हैं। दोनों प्रोसीजर देखेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं CMD से। सिंपली डिस्क पार्टीशन करने के लिए सिंपली आपको सर्च बार में जाके रन टाइप करना है और इसमें डिस्क पार्ट टाइप करके एंटर करना है। कंप्यूटर परमिशन मांग रही है, इसे हम एस कर देते हैं। देखिए हमारा ये कमांड टूल ओपन हो चुका है और इसमें डिस्क पार्ट कमांड रेडी है। और फर्स्ट कमांड सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम में हार्ड डिस्क मौजूद है या नहीं है। है तो कितने GB का है, कितना स्पेस यूज हो चुका है, कितना उसमें फ्री है। उस चीज को चेक करने के लिए सबसे पहले कमांड में टाइप करें लिस्ट डिस्क। लिस्ट डिस्क टाइप कर इंटर कीजिए। देखिए हमारे कंप्यूटर में, मेरे सिस्टम में एक हार्ड डिस्क है जो 1 TB का है। कुछ इसमें से 354 GB अभी फ्री है। इसमें कुछ सिस्टम यूज करती है अपने कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए, वो इंटरनली किया करते हैं। तो सिंपली हम इस डिस्क में कितने पार्टीशन हैं उसको देखने के लिए हम इस डिस्क को सिलेक्ट कर इसे ओपन करने की कोशिश करते हैं। इसको सिलेक्ट करने का कमांड है सिलेक्ट डिस्क, जो यहाँ इसका नाम है डिस्क न्यूमेरिकल वैल्यू 0, वो डालेंगे स्पेस देकर और इंटर मारेंगे। ये अब सिलेक्ट हो गया है डिस्क। आप ये डिस्क सिलेक्ट हुआ है कि नहीं आप मैनुअली भी देख सकते हैं। आप देखना चाहते हैं कैसे सिलेक्ट हुआ है तो सिंपली कि ये डिस्क सिलेक्ट हुआ है कि नहीं, सिंपली आप टाइप कीजिए लिस्ट डिस्क। देखिए इस स्टार डिस्क के ऊपर लग गया है, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो चुका है। तो अब इसके अंदर कितने पार्टीशन हैं वो देखने के लिए सिंपली हमको कमांड टाइप करना है लिस्ट पार्टीशन और इंटर करना है। देखिए मेरे सिस्टम में दो प्राइमरी पार्टीशन पहले से हो चुका है। ये आप देखना चाहते हो इसके और भी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ जाकर सिस्टम में कहाँ कैसे इसका। सिंपली डिस्क पीसी पर जाकर लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर इस मैनेज वाले ऑप्शन में क्लिक करें।
इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आप ये डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन देख सकते हैं जो स्टोरेज का अंदर है। सिंपली आप इस डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक कीजिए। हमारे सिस्टम के अंदर सी और डी है, दो प्राइमरी पार्टीशन पहले से है और 354 GB अनएलोकेटेड है। इस स्पेस को यूज कर कर हम एक प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे 354 GB की हम यहाँ भी देख सकते हैं 354 GB में हमारा स्पेस फ्री है। तो सिंपली पार्टीशन क्रिएट करने के लिए कुछ कमांड है, वो है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी और उसके बाद हम इसका साइज दे देंगे। हमारे जो अवेलेबल है 354 GB, हम इसको मैक्सिमम 300 GB का दे देते हैं, स्पेस दे देते हैं क्योंकि मेगाबाइट में लेता है। मेगाबाइट में डालेंगे हम और इंटर करेंगे। देखिए डिस्क पार्ट सक्सेड इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन। चलिए हम एक्सप्लोरर में जाकर देखते हैं क्रिएट हुआ है कि नहीं। अभी तक तो नहीं क्रिएट हुआ है, सिर्फ सी और डी। क्यों नहीं क्रिएट हुआ है? क्योंकि इसको हम सबको क्रिएट कर दी है और उसको हम फॉर्मेट करेंगे तब तो उसको उसका अपना एक साइज मिलेगा। साइज मिलने के बाद उसको हम लेटर असाइन करेंगे। लेटर असाइन करने के बाद ही हमारे सिस्टम में देखेगा। उस चीज करने के लिए चलते हैं फिर अपने CMD के तरफ। सिंपली अब हमको क्या करना है, फॉर्मेट fs फाइल सिस्टम इक्वल टू NTFS क्विक, ये कमांड डालेंगे तो हमारा इट इज स्टार्ट हो गया। प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया, 100% कंप्लीटेड। डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम। चलिए अब जाकर देखते हैं क्रिएट हुआ है नहीं। अभी भी नहीं क्रिएट हुआ क्योंकि हम अभी तक उस ड्राइव का लेटर असाइन नहीं किए। जैसे इस ड्राइव का सी ड्राइव नाम है, लेटर सी, इसका टी, उस तरह से हम उसको भी असाइन नहीं किए। उसको असाइन करने के लिए सिंपली हम एक कमांड है वो टाइप करेंगे, साइन लेटर, मैं इसको नाम देता हूँ ई और उसके बाद कॉलन टाइप करके एंटर करके डिस्क पार्ट सक्सेसफुली असाइन द ड्राइव लेटर और माउंट पार्ट। अब हमारा प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट हो चुका है जो 292 GB का है, क्रिएट हो चुका है फाइनली। अब हमारे यहाँ पर भी आकर देखेंगे तो ये था हमारा 354 GB का। अब ये कुछ स्पेस ई ड्राइव को लोकेट करके अब ये 61.57 GB का बचा हुआ है। आप चाहे तो एक और प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। ये था CMD से। अब तो चलिए फ्रेंड्स, मैनुअली डिस्क पार्टीशन करने से पहले जो मैंने प्राइमरी डिस्क पार्टीशन अभी क्रिएट किया था उसको मैं कमांड प्रॉम्प्ट द्वारा डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। सिंपली रन में जाकर हम डिस्क पार्ट परमिशन देंगे, उसके बाद सिंपली जो प्रोसीजर पहले था डिलीट करने के लिए, सबसे पहले हम लिस्ट डिस्क चेक करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट डिस्क करेंगे। इस डिस्क में हम पार्टीशन चेक करेंगे, हमारे सारा पार्टीशन आ गया है जो मैंने 292 GB का क्रिएट किया था, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ।
डिलीट करने के लिए सबसे पहले जिस पार्टीशन को डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करें, सेलेक्ट पार्टीशन 5, पार्टीशन 5 इज नाउ सिलेक्टेड। अब इसको डिलीट करते हैं, डिलीट पार्टीशन, देख व्हाट सक्सेसफुली डिलीटेड द सिलेक्टेड पार्टीशन। अब इस रूम में जाकर चेक करते हैं हमारा ई ड्राइव डिलीट हुआ है कि नहीं। देखिए COD है, ई ड्राइव डिलीट हो गया। अब हम मैनुअली डिस्क पार्टीशन करते हैं। मैनुअली डिस्क पार्टीशन करने के लिए सिंपली डिस्क पीसी पर जाकर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कीजिए और इस मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपका एक नया इंटरफेस खुलेगा, उसमें आपको स्टोरेज के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट पर हमको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही हमारा कितने पार्टीशन है वो हमको दिखेगा। जैसे ये जो हमारा अनएलोकेटेड स्पेस 356.54 GB है, इसी में से हम एक प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करेंगे। प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करने के लिए सिंपली इस पर जाके लेफ्ट बटन क्लिक करना है माउस का, और हमें सिलेक्ट करना है न्यू सिंबल। जैसे ही हम न्यू सिंबल वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे, ये हमसे पूछेगा कुछ, द विजार्ड हेल्प्स यू क्रिएट अ सिंपल वॉल्यूम ऑन अ डिस्क, सिंपल वॉल्यूम कैन ओनली बी अ सिंगल डिस्क, टू कंटिन्यू क्लिक नेक्स्ट। हमसे पूछ रहा हूँ हमारे हार्ड डिस्क में एक वॉल्यूम क्रिएट करना है, क्रिएट ए सिंगल डिस्क है उसमें हम एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए हमको बोला नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, हमसे पूछ रहा है साइज कितना देना है उसका। इसको मैं पहले का 300 GB दे रहा हूँ, 300 GB मैंने इसको असाइन कर दिया साइज। सिंपल साइज कभी भी याद रखना दोस्तों, मेगाबाइट में देना है यानी कि MB में। सिंपली अब यहाँ पर देखिए, असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर, प्रोसीजर वही है जो कमांड में हम जैसे असाइन करते थे लेटर, सारा प्रोसीजर वही है। इसमें बहुत सारे लेटर हैं, जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लीजिए। हाल में मैं ये रहने देता हूँ, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद फिर कुछ नहीं करना, जैसे वहाँ पर फॉर्मेट करते थे सेम ही NTFS फॉर्मेट का सिस्टम आया हुआ है, हमको सिर्फ नेक्स्ट करना है। उसके बाद हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे, वेट करेंगे जब तक। देखिए हमारा ये क्रिएट हो गया न्यू वॉल्यूम एक। अब हम जाकर देखते हैं एक्सप्लोरर में कि हमारा ये वॉल्यूम जो ई ड्राइव आया है कि नहीं। देखेंगे तो हमारा ये ई ड्राइव आ चुका है। इस तरीके से हम GTP के अंदर हम डिस्क पार्टीशन कर सकते हैं, और GTP के अंदर मोर देन 4 मतलब 4 से भी ज़्यादा हम प्राइमरी पार्टीशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्त प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।